हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आरबी फैंटेसी 7। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले सीबीए का जो आज का सेकंड मैच होने वाला है और लास्ट मैच होने वाला है, वो होने वाला है बंधन डक्स यानी बीडी वर्सेस जयजंग गोल्डन बुल्स यानी जेडजेबी, इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों टीम की अगर बात करूँ तो क्या है कुछ स्टैंडिंग पोजीशन। अगर बंधन डक्स देखिए 22 आउट ऑफ 9 मैचेस विन कर लिए, उसी सेकंड साइन 21 आउट ऑफ 18 मैचेस यहाँ पर विन कर लिए जेडजेबी ने। तो जेडजेबी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम है एज़ कम्पेयर टू बंधन डक्स, लेकिन यहाँ पर लास्ट के दोनों मैच दोनों टीम यहाँ पर विन करते हुए आ रही, तो दोनों टीम का यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। उसी की तरफ से दोनों टीम के पास बहुत ज़्यादा अच्छे खासे प्लेयर है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चेक करना, सब्सक्राइब किया है नहीं, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। उसी के साथ साथ लास्ट मैच के रिजल्ट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बंधन डक्स की तरफ से आपको पॉइंट गार्ड से जे गिब्सन सबसे बेस्ट चॉइस आपको मिल जाएंगे, एसपी और पीपी के भी। उसी के साथ साथ एक्सवैंग दोनों की बात करूँ तो यहाँ पर जेड गिब्सन और एक्सवैंग बेस्ट प्लेयर है। वाई अली यहाँ पर बैन से खेलेंगे और यहाँ पर क्रेडिट से और मिल जाएंगे। लास्ट मैच में बस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं खेले थे, बस 4-5 मिनट खेले थे, लेकिन उस 4-5 मिनट में 2 स्टील कर दिए थे, तो 2 स्टील की उन्होंने यहाँ पर लास्ट मैच में 6 पॉइंट दे दिए थे। अगर परफॉर्मेंस डिटेल में चेक करें तो ये रहा जे गिब्सन का लास्ट मैच में परफॉर्मेंस, बढ़िया परफॉर्मेंस था। 40 मिनट 28 पॉइंट, उसी के साथ साथ 13 रिबाउंड और 1 स्टील और 5 असिस्ट भी थे। और बात करूंगा वाई अली, तो वाई अली मैंने बताया था कम टाइम मिला था, 4 ही मिनट खेले थे, लेकिन 4 मिनट में 2 स्टील किए थे। उसी के साथ साथ अगर बात करूंगा एक्सवैंग, तो एक्सवैंग लास्ट मैच में 14 मिनट खेले थे, 2 रिबाउंड और 1 असिस्ट किया था। तो ठीक है, अगर सेकंड मैच की करें तो ये जे गिब्सन का परफॉर्मेंस रहा, उसी के साथ साथ अली का परफॉर्मेंस रहा, 6 मिनट खेले थे, 2 पॉइंट 1 असिस्ट, टाइम नहीं मिलता इनको अच्छा खासा, प्लेयर अच्छे। उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे एक्सवैंग लास्ट मैच में 7 मिनट खेले थे, सेकंड मैच थे, और उसी के साथ साथ बस 1 ही रिबाउंड, उसके अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं था। अगर बात करूंगा थर्ड मैच में जे गिब्सन बैन से खेले थे, उसी के साथ साथ 4 स्टील इन्होंने यहाँ पर दिए थे। एक्सवैंग 17 मिनट पॉइंट एवरेज था, और उसी के साथ साथ अगर बात करूँ वाई अली, तो वाई अली इस मैच में खेले नहीं थे। तो ये तीनों प्लेयर, अगर बात करूँ स्मॉल लीग, तो स्मॉल लीग के लिए जे गिब्सन मस्ट ऑफ प्लेयर है। उसी के साथ साथ एक्सवैंग चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट से और मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ बैन से खेलते हैं और अच्छा खासा टाइम इनको मिलता है। वाई अली ग्रैंड लीग पिक मिल जाएंगे। अगर बात करूँगा शूटिंग गार्ड, तो शूटिंग गार्ड से यस फैन यक्स ले आऊँ, और उसी के साथ साथ से जैंग को अगर इग्नोर कर देना। अगर यस फैन की बात करूँ तो हाई क्रेडिट प्लेयर है, लेकिन प्लेयर का परफॉर्मेंस अबव एवरेज रहता है, और उसी के साथ साथ एक्स ले आऊँ। अगर दोनों की बात करूँ तो यस फैंग अगर लास्ट मैच में देखेंगे तो शाओ फैंग यहाँ पर बैन से खेले थे, 30 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 11.1 रिबाउंड 5 असिस्ट। सेकंड मैच अगर देखेंगे तो यहाँ पर 30 मिनट यहाँ पर ही खेले थे, 15.5 रिबाउंड 4 असिस्ट और 1 स्टील। और थर्ड मैच की बात करूँ तो थर्ड मैच में यहाँ पर स्टार्ट किया था, 30 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 7.3 रिबाउंड और 6 असिस्ट, उसी के साथ साथ 2 स्टील भी किए थे। तो आपको यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस देखिए, 50 क्रेडिट के हाई क्रेडिट के प्लेयर हैं। अगर कोई यहाँ पर चाहे तो आप XD पिक कर सकते हो, या फिर यस फैंग, इन दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। लेकिन यस फैंग को अगर बात करूँ तो यहाँ पर थोड़े से कम क्रेडिट में मिल जाएंगे, लेकिन XD का परफॉर्मेंस यस फैंग से बेटर होता है। तो ठीक है, तो यस फैंग आपको मिल जाएंगे एक ग्रैंड लीग पिक। इसी के साथ साथ स्मॉल लीग में थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर लेके जा सकते हो। उसी के साथ साथ आपको एक थोड़े से क्रेडिट से और मिल जाएंगे एक्स लिया हूँ, जो कि लास्ट के 3-4 मैचेस खेले नहीं, उसे आपको मिल जाएंगे स्मॉल फॉरवर्ड में एक्स डी के बारे में बताया। उसी के साथ साथ सिवाइजिंग लास्ट मैच में स्टार्ट किया था सिवाइजिंग ने, और यहाँ पर अच्छे खासे क्रेडिट से और आपको मिल जाएंगे। XD का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो शाउजा जाई 37 मिनट खेले थे, 18 पॉइंट, उसी के साथ साथ 8 रिबाउंड 3 असिस्ट और 1 स्टील। और उसी के साथ साथ शाओफैंग और XD का अगर परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करें तो XD का परफॉर्मेंस शाओफैंग से कई ज़्यादा बेटर है। अगर फर्स्ट मैच की बात करूँ जो अभी रिसेंटली हुआ है, XD का परफॉर्मेंस 37 मिनट के लिए थे, 17 पॉइंट 8 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 ब्लॉक और 2 स्टील। और शाओफैंग का अगर इस मैच में परफॉर्मेंस देखेंगे तो शाओफैंग 30 मिनट के लिए थे और इनका ये परफॉर्मेंस रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर XD यहाँ पर शाओफैंग से बेटर प्लेयर आपको मिल जाएंगे, यस फैंग से बेटर प्लेयर आपको XD मिल जाएंगे, लेकिन इनका क्रेडिट थोड़ा सा हाई है। और सीवाई हेजिंग की बात करूँ तो सीवाई हेजिंग ने लास्ट मैच में यहाँ पर स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करते हुए बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दिया। तो ये रहा इनका परफॉर्मेंस, खेले थे लगभग यहाँ पर 36 मिनट, 8.2 रिबाउंड और उसके साथ साथ 4 असिस्ट, तो टाइम अच्छा खासा मिला है। सेकंड मैच में क्या अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो सेकंड मैच में भी यहाँ पर बढ़िया, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते सिवाय यहाँ पर जू नाम से मिल जाएंगे, 36 मिनट खेले थे, उसके साथ साथ 8.2 रिबाउंड 4 असिस्ट। अगर सेकंड मैच की बात करूँ तो सेकंड मैच में भी बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा है, लगभग एवरेज परफॉर्मेंस इनका हर मैच में रहता है। वाइजिंग
ये रहा सेकेंड मैच का परफॉर्मेंस। 28 मिनट खेले थे, 7.3 रिबाउंड और 6 साथ साथ 3 असिस्ट। तो वाई जी हाइजिंग स्टार्टर मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 25+ मिनट खेलेंगे और उसमें यहाँ पर लगभग यहाँ पर 10+ एवरेज पॉइंट आपको हर मैच पे दे दे रहे हैं। तो दोनों भी अच्छे खासे पीक है स्मॉल लीग के लिए, स्मॉल फॉरवर्ड के सेक्शन में से। उसी के साथ साथ पॉइंट गार्ड में आपको बेंजन डक की तरफ से वाइजू मिल जाएंगे, जेड फैन मिल जाएंगे। और इन दोनों का अगर परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो यांग जीजू का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे लास्ट मैच जो रहा है तो उसमें यांग जीजू का परफॉर्मेंस 36 मिनट खेले थे, यांग जीजू 28 मिनट खेले थे, 8.8 रिबाउंड और 6 साथ साथ 2 असिस्ट। सेकेंड मैच की बात करूँ यांग जीजू, तो सेकेंड मैच में यांग जीजू का परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पर बेटर था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मैच। 37 मिनट खेले थे, 9.4 रिबाउंड और 6 साथ साथ 5 असिस्ट और 2 स्टील। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कन्फ्यूजन करने वाला है यांग जीजू और वाई जीजू का ये नाम ये, ठीक है। तो वाई जू यहाँ पर मिल जाएंगे आपको नाम से यहाँ पर यांग जीजू, और उसी के साथ साथ सीवाय हेजिंग यहाँ पर मिल जाएंगे आपको नाम से वाई जियांग जू। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। यहाँ पर सीवाय हेजिंग आपको मिल जाएंगे यांग जू जू के नाम से, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर वाई जू मिल जाएंगे यहाँ पर नाम से यांग जिन जू। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाला है, बाकी कोई नहीं। जेड फैन, अगर जेड फैन का परफॉर्मेंस क्या अगर देखेंगे तो जेड फैन का लास्ट का मैच का परफॉर्मेंस रहा था तो बैंक से खेले थे जिमिंग फैन, 26 मिनट खेले थे, 15.5 रिबाउंड उसी के साथ साथ 2 ब्लॉक, बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। उसी के साथ साथ सेकेंड मैच की अगर बात करूँ तो 28 मिनट खेले थे, 5.8 रिबाउंड उसी के साथ साथ 3 ब्लॉक, तो यहाँ पर भी बेस्ट रहा था 3 ब्लॉक के साथ। और जो थर्ड मैच था तो थर्ड मैच में इनको अच्छा खासा टाइम नहीं मिला था। और फोर्थ मैच की अगर बात करूँ तो फोर्थ मैच में फिर से यहाँ पर जिमिंग फैन का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा था। तो ठीक है, एक अच्छे खासे प्लेयर आपको मिल जा रहे हैं उसी के साथ साथ 7.5 क्रेडिट के, तो क्रेडिट से और पिक मिल जा रहे हैं। उसी के साथ साथ ये बैंक से खेलेंगे, लगभग हर मैच में बैंक से खेलते हुए आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ वाइजू ये भी क्रेडिट से हो रहा है, और बेस्ट पिक ये भी मिल जा रहे हैं आपको यहाँ पर पावर फॉरवर्ड में से। तो ठीक है, सभी को तो आप पिक नहीं कर सकते, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए अच्छे खासे पिक है ये समझ के ले जाना आपको। टी जियानयू, अगर इनका परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट मैच में जियानयू ने यहाँ पर बेस्ट किया था। अगर टी जियानयू का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट मैच में, तो टी जियानयू लास्ट मैच में बैन से खेले थे, अगर इनका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 16 मिनट खेले थे, उसी के साथ साथ 13 पॉइंट, उसी के साथ साथ 4 रिबाउंड। टी एन क्यू, अगर थर्ड मैच की बात करूँ तो थर्ड मैच में टियांग को खेले नहीं थे। फोर्थ मैच की अगर बात करूँ तो फोर्थ मैच में 16 मिनट खेले थे, 1.1 रिबाउंड उसी के साथ साथ 1 स्टील। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट क्रेडिट से और आपको मिल जाएंगे जो कि बैंक से खेलते हैं 5 क्रेडिट के प्लेयर ही, और इनसे बेटर प्लेयर भी आपको मिल जाएंगे। अगर टी जानू अगर खेलते नहीं तो उनसे बेटर प्लेयर आपको मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो फिलहाल इनको यहाँ पर आप क्रेडिट सेवर मान के चले जाइए, और उसी के साथ साथ सेंटर से इस टीम की तरफ से बेस्ट पिक मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको यमली मैं रिकमेंड करूँगा, बाकी जे हैमिल्टन इनको अगर खेलते तो फिर अच्छे खासे पिक ये भी बन जाते, लेकिन यहाँ पर लास्ट के रिसेंटली बहुत ज़्यादा मैच खेले नहीं। अगर उसके बाद के मैचेस का परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर देख सकते खेले तो फिर मैं यहाँ पर स्टैट्स भी अवेलेबल कर दूंगा। बाकी यहाँ पर इस सेंटर के सेक्शन से आपको टी जे यानू मिल जाएंगे। अगर इस टीम की तरफ से सबसे इम्पोर्टेंट जे गिब्सन, उसी के साथ साथ आपको मिल जाएंगे यस फैंग और XD। सीवाय हाइजिंग स्टार्ट करेंगे हर मैच में लगभग स्टार्ट कर रहे। वाइजो और जेड फैन दोनों भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन आपको दोनों को यहाँ पर फिक्स कर नहीं सकते, तो जेड फैन यहाँ पर थोड़े से बेटर है। तो ये जो सारे प्लेयर है तो इस टीम की तरफ से बेस्ट प्लेयर है जो कि बैन से। सीवाय हाइजिंग स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ यस फैंग स्टार्ट करेंगे, जे गिब्सन स्टार्ट करेंगे, XD स्टार्ट करेंगे, जेड फैन यहाँ पर बैन से खेलेंगे, और यस फैंग भी यहाँ पर कभी कभी बैन से खेल सकते हैं या फिर कभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रोबेबली हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर स्टार्ट ही करेंगे। तो ठीक है, ये टीम यहाँ पर ये प्लेयर यहाँ पर इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे अब सेकंड टीम, तो सेकंड टीम की बात करूँ तो ZGB जो पॉइंट टेबल में अच्छी खासी पोजीशन है, आपको पॉइंट गार्ड से मिल जाएंगे क्यू, सबसे बेस्ट यहाँ पर पीपी चॉइस आज के मैच में, जो कि रिबाउंड अच्छे खासे देते हैं, उसी के साथ साथ पॉइंट अच्छे खासे देते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सी चॉपिंग, तो बेस्ट प्लेयर है, और उसी के साथ साथ हाई क्रेडिट प्लेयर है क्यू, जो कि परफॉर्मेंस देते हैं और अच्छा खासा टाइम भी इनको मिल। ये रहा क्यू का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में, 35 मिनट खेले थे, 16.7 रिबाउंड असिस्ट पर ध्यान रखना। उसी के साथ साथ चुपैंग चेन के बारे में बताया था, 27 मिनट खेले थे, ये लास्ट मैच में स्टार्ट किया था, 6.4 रिबाउंड, 3 असिस्ट और 1 स्टील किया था। अगर सेकंड मैच की बात करो तो कियानू का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 41 मिनट लगभग यहाँ पर
सभी क्वार्टर में सभी यहाँ पर मतलब टोटल टाइम यहाँ पर अवेलेबल थे इस मैच में, उसी के साथ साथ चिपेंगो अगर बात करें 24 मिनट के लिए थे, पॉइंट अच्छे खासे, उसी के साथ साथ एक दो स्टील भी किए थे। तो बेस्ट प्लेयर दोनों भी मिल जाएंगे, 10.5 क्रेडिट के चिपेंगो मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ क्योगो यहाँ पर बेस्ट पीपी चॉइस मिल जाएंगे। यहाँ पर मिल जाएंगे आपको शूटिंग गार्ड से बी पाउल जो कि लास्ट मैच के लिए नहीं थे, उसी के साथ साथ वाई वैंग, दोनों प्लेयर यहाँ पर बेस्ट है। अगर बात करूँगा इन दोनों का लास्ट के मैच के परफॉर्मेंस, ये रहा वाई वैंग का परफॉर्मेंस लास्ट मैच में, 11 मिनट खेले थे, कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाए थे। ब्रैंडन पॉल खेले थे, बस 3 ही मिनट मिल पाए थे। और सेकंड मैच का अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर वाई बुयांग यहाँ पर देख सकते हैं 7 मिनट, तो बेकार यहाँ पर पिक है, लास्ट के दो मैच फ्लॉप रहे। और ब्रैंडन पॉल की बात करूँ तो सेकंड मैच में इन्होंने बढ़िया किया था। अगर थर्ड मैच की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सेम यहाँ पर ब्रैंडन पॉल यहाँ पर इस मैच में खेले नहीं थे, तो यहाँ पर दोनों भी प्लेयर यहाँ पर एवरेज है, इनसे बेटर प्लेयर आपको यहाँ पर बीडी की तरफ से मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर दोनों को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप चाहे तो ब्रैंडन पॉल को लेके जा सकते हैं, बाकी वाई वैंग यहाँ पर थोड़े से मुझे वेस्ट प्लेयर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट के मैचेस में इनका परफॉर्मेंस उनके मतलब क्रेडिट के हिसाब से रहा नहीं। यस लैंड्सबर्ग की बात करूँ तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लैंड्सबर्ग ने लास्ट मैच में दिया था, आप देख सकते हैं 42 मिनट के लिए थे, लगभग पूरे मैच में यहाँ पर अवेलेबल थे कोर्ट पर, उसी के साथ साथ 49.8 रिबाउंड, 6 असिस्ट और 3 स्टील। आप चाहे तो यहाँ पर पंट, यहाँ पर पी पी पिक या फिर एस पी पिक भी इनको लैंड्सबर्ग को कर सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच का परफॉर्मेंस इनका बढ़िया रहा था। अगर सेकंड मैच की बात करूँ तो 35 मिनट के लिए थे, 22.4 रिबाउंड, 3 असिस्ट। और थर्ड मैच की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 25 मिनट खेले थे, तो यहाँ पर थोड़े से एवरेज परफॉर्मेंस है, लेकिन लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो लैंड्सबर्ग ने यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, उसी के साथ साथ इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई होगा, तो आज के मैच में भी मुझे लगता है यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे। और उसी के साथ साथ आप इनको ग्रैंड लीग में एसपी और पीपी यहाँ पर दो तीन टीम में बना के जाना, यस लैंड्सबर्ग को एसपी और पीपी आपके ग्रैंड लीग टीम में, तो ठीक है। तो उसी के साथ साथ आपको मिल जाएंगे वाइलू और उसी के साथ साथ डब्ल्यू झीलू, इन दोनों को भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी यहाँ पर स्मॉल फॉरवर्ड से लैंड्सबर्ग के बेटर आप प्लेयर आपको मिलेंगे नहीं, अगर लैंड्सबर्ग खेलते तो फिर इन प्लेयर को यहाँ पर वैल्यू भी नहीं रहने वाली, क्योंकि लैंड्सबर्ग एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं। तो पावर फॉरवर्ड की अगर यहाँ पर बात करूँ तो पावर फॉरवर्ड ने आपका यन रोंग से ये बेस्ट पिक मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ एक जू, दोनों बेस्ट पिक मिल जाएंगे अगर दोनों का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट मैच में। तो निक रॉड्स के भी लास्ट मैच में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अगर बात करूंगा मैं यहाँ पर एक जू की, तो एक जू यहाँ पर लास्ट मैच में अगर देखेंगे, जुआंग जो स्टार्ट किया था 28 मिनट के लिए थे, 16.5 रिबाउंड, 2 असिस्ट और उसके साथ साथ 1 स्टील। सेकंड मैच की अगर बात करूँ तो सेकंड मैच में भी यहाँ पर जुआंग जू का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है। और यहाँ पर थर्ड मैच की अगर बात करूँ तो थर्ड मैच में यहाँ पर निक रॉन्गक्विंग की बात कर रहा था मैं, जो यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए आपको बेस्ट पिक है, 28 मिनट के लिए थे, 14 पॉइंट, उसी के साथ साथ 11 रिबाउंड और 1 स्टील किया था। जुक्सुंग जाओ यहाँ पर भी परफॉर्मेंस इनका बेटर ही रहा था, तो ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, यन रंग्स के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि जीएल के बेस्ट पिक, इसी के साथ साथ एक जू जो कि स्टार्ट करेंगे और लगभग हर मैच में यहाँ पर 20+ मिनट, 25+ मिनट खेलते हैं, और इनसे 15+ पॉइंट के यहाँ पर उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा मतलब यहाँ पर पूरे टू कोर्ट यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर फुल टाइम यहाँ पर एक जो यहाँ पर कोर्ट पर रहे थे। और इनका पॉइंट अगर देखेंगे तो लास्ट मैच में बढ़िया, उसी के साथ साथ यहाँ पर सेकंड मैच अगर देखेंगे तो सेकंड मैच में भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था, 19 पॉइंट दिए थे और 10.5 क्रेडिट में यहाँ पर बेस्ट पिक मिल जाएंगे यहाँ पर पावर फॉरवर्ड से। और सेंटर की बात करूँ तो सेंटर के से आपको डिजाइन एक एवरेज प्लेयर मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ यल लोहान वू और उसी के साथ साथ यल लिन फेंग, इन्हें मैं ग्रैंड लीग में रिकमेंड करूंगा अगर डिजाइन के अगर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखेंगे तो। डिजाइन ने लास्ट मैच में खेले थे बैन से 23 मिनट खेले थे, 20 पॉइंट, उसी के साथ साथ 5 रिबाउंड, 1 असिस्ट और 1 ब्लॉक। अगर सेकंड मैच की बात करूँ तो 19 मिनट खेले थे, ब्लॉक और स्टील बढ़िया किया था, उसी के साथ साथ 9 पॉइंट भी किए थे। अगर थर्ड मैच की अगर बात करूँ तो थर्ड मैच में भी अगर ड्यून जैन स्टार्ट किया था, 23 मिनट खेले थे, 6.2 रिबाउंड और उसी के साथ साथ 1 ब्लॉक किया था, तो ठीक है। तो इस टीम की तरफ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर बात करूँ तो क्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे आपको, उसी के साथ साथ शूटिंग गार्ड से बैंडर बी पाउल के यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा, उसी के साथ साथ वाई वैंग इन्हें मैं ग्रैंड लीग में रिकमेंड करूँगा, लेकिन ग्रैंड लीग में भी यहाँ पर हाई रिकमेंडेड प्लेयर नहीं है। इसके साथ साथ ब्रैंडन पाउल पर आप थोड़ा सा भरोसा रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इनको टाइम मिला तो ये प्लेयर बेस्ट करके जाएंगे। उसी के साथ साथ लैंड्सबर्ग बेस्ट पिक है और उसी के साथ साथ एक्जू यहाँ पर इस यहाँ से बेस्ट पिक है, ग्रैंड लीग के लिए यन रॉक्स्यू बेस्ट पिक है, उसी के साथ साथ डिजाइन स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर बेस्ट पिक है। तो ये चारों प्लेयर यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर बेस्ट पिक है अगर बात करूँगा हमें ड्रीम इलेवन टीम। तो
तो कुछ इस प्रकार के मेरे ड्रीम इलेवन टीम होने वाली है। तो यहाँ पर ये डेमो टीम है, लाइनअप आने के बाद फाइनल यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है तो फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ आपको पता नहीं कि यहाँ पर सीबीए के लाइनअप कैसे चेक करते थे, उसके भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्यू सेफ पीपी चॉइस है, उसी के साथ साथ जे गिब्सन सेफ एसपी चॉइस है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो यस लैंडसबर्ग को यहाँ पर पीपी बना सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच का परफॉर्मेंस मैंने दिखाया। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो यस लैंडसबर्ग ने लास्ट मैच में लगभग 40 मिनट खेले थे, 40 मिनट में यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। लगभग लास्ट मैच में यहाँ पर 50+ ड्रीम इलेवन पॉइंट इन्होंने दे ही दिए थे। उसके साथ साथ यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने यहाँ पर पिक किए हुए, जे गिब्सन स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ यस पैंग, सीवाई हाइजिंग और टी जानू, ये चारों प्लेयर यहाँ पर लास्ट मैच में स्टार्ट किया था, आज के मैच में भी स्टार्ट करने के यहाँ पर चांसेस है। क्यू स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ यस लैंडबर्ग और एग्जू, ये सभी प्लेयर यहाँ पर लगभग स्टार्ट करने वाले हैं। बस यहाँ पर जेड फैंग यहाँ पर स्टार्ट करने के प्लस पॉसिबिलिटी इनकी थोड़ी सी कम है। तो ठीक है गाइज, फाइनल टीम में टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और उसी के साथ साथ आपने लाइक भी किया।